दोस्तों, मत्तियाह का अध्याय 24 13वां वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। सुना आपने, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा सिर्फ उसी का उद्धार होगा। हाँ दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं पहले प्रभु यीशु के पास आया था, उस टाइम मेरे सारे परेशानियाँ सारे समस्याएं दूर हो गई थी, लेकिन अभी इतना साल से मैं मसीह के मंदिर में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे बहुत सारे समस्याएं अभी फिर से चालू हो गई हैं। दोस्तों, ये सब क्यों होता है, इसका वजह क्या है, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम भगवान के पास आते हैं, भगवान को जानते हैं, हमको लगता है सारी समस्याएं दूर हो गई, और सच में सब परेशानियां सर समस्याएं हमारा दूर हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से ऐसा ही समस्याएं आना चालू हो जाता है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। आज हम जानेंगे कि ये सब परेशानियां हैं, ये सब समस्याएं हमारा परिवार में क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, इसका वजह है कि धीरे धीरे हमारा जीवन में सब कुछ आसान से मिलना चालू हो जाता है। सभी समस्याएं दूर होने के बाद हम प्रभु से भी दूर होना चालू करते हैं। हम दिखाने के लिए चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा भरोसा खोखला हो जाता रहता है। इसके वजह से हमारे जीवन में फिर से दोबारा से परेशानियां चालू हो जाती हैं। मत्तियाह का अध्याय 23वां अध्याय 28वां वचन कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हाँ दोस्तों, हम लोग सिर्फ दिखावा करने से नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को हमारा भगवान महा शक्तिशाली भगवान है, हमारा परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जान सकता है, वो हमारा नाम से भी हमको पहचानता है, वो हम क्या कर रहे हैं वो सब देख सकता है। इसके लिए हम लोग सिर्फ दिखावा करने से नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मत्तियाह का अध्याय 22:37 में कहती है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का हमने सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि के साथ प्रेम करना चाहिए, वो हमेशा के लिए, क्योंकि आपने पहले ही देखा पढ़ा हुआ मत्तियाह का अध्याय 24:23 कहता है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। सिर्फ 4 दिन का दिखावा दोस्तों, ये प्रभु के सामने हम नाटक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है, हर इंसान को उसने बनाया है, वो हर इंसान के बारे में हर कुछ जानता है। तो इसके लिए हमारे जीवन में फिर से दोबारा परेशानियां आना चालू हो जाती हैं। इसके लिए हमारा परमेश्वर दयालु भी है, हम अगर अपना पापों को फिर से माफी मांगे और प्रभु के चरणों में फिर से गए, फिर से टाइम बिताना चालू कर दिया, तो हमारा परेशानियां पहले जैसा फिर से दूर हो जाएंगी, और हमारा जीवन में, हमारा फैमिली में आप बहुत कुछ चेंजेस देख सकते हैं, जैसा हमारा जीवन पहले यीशु मसीह के जानने के बाद हुआ था, उससे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा शांति
आ जाएगी, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी।